हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो किसी भी वर्ड को उठा के उसका मीनिंग और फिर उसके एंटोनिम और सिनोनिम हम करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब है त्याग दें, किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, तो हम कहेंगे अबेंडन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं कि गिव अप कर देना, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, फोरसेक, लीव या फोरगो, सरेंडर एंड वेकेट। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन। कौन कौन से हुए? गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, फोरसेक, लीव, फोरगो, सरेंडर एंड वेकेट। इसके एंटोनिम क्या क्या हुए? सेल्फ कंट्रोल यानी त्यागना का अपोजिट हुआ सेल्फ कंट्रोल करना, अडॉप्ट करना, अपहोल्ड करना, पकड़ के रखना, रिमेन विद मतलब किसी भी चीज़ के साथ साथ रहना, अडहेयर टू चिपक के रहना, कीप, रिटेन विद, स्टे विद या फिर क्लिंग टू। तो इसके एंटोनिम क्या क्या हुए? सेल्फ कंट्रोल, अडॉप्ट, अपहोल्ड, रिमेन विद, अडहेयर टू, कीप, रिटेन विद, स्टे विद और क्लिंग टू। ठीक है, नेक्स्ट अब्सर्ड। अब्सर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है बेतुका, और इसकी सिनोनिम है फुलिश, लूडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस, रिडिकुलस एंड इरेशनल। और इसके एंटोनिम क्या क्या हैं? लॉजिकल, रीजनल, साउंड या फिर सेंसिबल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अपेरेंट। अपेरेंट का मीनिंग है स्पष्ट, कोई भी चीज़ जो है स्पष्ट होना, उसको हम अपेरेंट कहेंगे, कहते हैं ना अपेरेंटली, अपेरेंट। तो इसके सिनोनिम है क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल, कॉन्स्पिकुअस, ऑब्वियस एंड एविडेंट। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अपेरेंट। एंटोनिम ऑफ अपेरेंट हिडन, कोई भी चीज़ स्पष्ट है तो उसका उल्टा क्या हुआ? छुपी हुई, हिडन, इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, बिहाइंड, एम्बिगुअस या फिर ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, सीक्रेट या अनसर्टेन। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ अपेरेंट। और ये जो शब्द हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको सभी को जो है आप ध्यान में रखना और बार बार इसको रिवाइज करना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओडासियस, ओडासियस शब्द का मीनिंग है साहसी। सिनोनिम है इंट्रेपिड, एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड, क्रेजियस, इंसोलेंट, इम्पुडेंट। तो सिनोनिम क्या क्या हुए? इंट्रेपिड, एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड, क्रेजियस, इंसोलेंट एंड इम्पुडेंट। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं? कर्टियस, हम्बल, पोलाइट, फियरफुल या फिर टिमिड। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ओडासियस। नेक्स्ट है ऑक्जिलरी। ऑक्जिलरी शब्द का मीनिंग है सहायक, और इसके सिनोनिम क्या क्या हैं? हेल्पिंग, सुबॉर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, स्पोर्टिंग एंड एडिशनल। अब इसके एंटोनिम क्या क्या हैं? कोई भी चीज़ सहायक है उसका, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? फंडामेंटल यानी बेसिक चीज़, प्रिंसिपल, मेजर, इसेंशियल, प्राइमरी, चीफ या मेन। मतलब कोई भी चीज़ सहायक होती है किस चीज़ की? मेन चीज़ की, प्राइमरी चीज़ की, ठीक है। तो इसलिए हम ऑक्जिलरी का उल्टा जो है एंटोनिम जो है फंडामेंटल, प्रिंसिपल, मेजर, इसेंशियल, प्राइमरी, चीफ, मेन, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।